नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एक बार फिर से बिहार पहुंचे। अमित शाह पिछले 20 दिनों में तीसरी बार बिहार पहुंचे थे। यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमित शाह ने यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के बीच की अंतर को भी बताया। इस दौरान उन्होंने पुलवामा अटैक से लेकर सरकार की कार्रवाई तक का जिक्र किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया था, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त बिहार के पिछड़े समाज का सम्मान किया। और नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब चाय बेचने वाले के घर पर जन्म लेकर पूरे देश भर में गरीबों के कल्याण का यज्ञ चालू किया है। भाइयों बहनों, यज्ञ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई, जोर से बोलो, बनाना है ना। मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो मोदी जी का जितना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई, तीनों ने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। नक्सलवाद था बिहार में भी था, नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व के। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? चार आना भी मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है भाई, झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। और राजस्थान का
कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खरगे साहब, 80 पार कर गए आप, परंतु देश को समझ नहीं पाए। कश्मीर के लिए मेरे झंझापुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान 70 साल से ये लोग धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में आए दिन बम धमाके रहते, कोई कुछ नहीं बोलता था, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया करने का। मैं सीता माता की धरती पर आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहने, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये तेजस्वी जी को, लालू जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, सबको निमंत्रण मिला। क्या ये आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आइए? मगर वो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं गए। और मैं आज बताने आया हूं मित्रों, पूरा देश का राम भक्त और विशेषकर माताएं बहने ये इंडी अलायंस से नाराज है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का अनादर किया, बहिष्कार किया। भाई और बहनों, मिथिला का सम्मान लालू जी के समय में बहुत नीचे ले जाने का काम किया। एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तालाब, मछली और मखाना तीनों को बचाने का और संवारने का काम एनडीए ने किया है। एनडीए ने मिथिला को सम्मान देने का काम किया है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।